राम राम। जय जय। खुश रहो, मंगल हो। दादा, पुष्पांजलि और विनय चालीसा आपने रचा है, तो सबसे पहले तो मैं आज ये जानना चाहूंगा कि मैं दो तीन दिन ऑफिस गया नहीं था, वर्षा हो रही थी, बाढ़ आई हुई थी और तबीयत भी कुछ थोड़ी ना हल्की थी, वैसे ही घूमने के लिए बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही मैं कान में, मैं नहीं समझ पाया इसको, ये तो दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया था, मैंने ये बात ये है कि वो तकदीर बदल देते थे। उसके बाद मैं पीछे बैठ गया, तो मैं दर्शन कर जा रहा हूँ, तो उछल पड़े कि तुम दर्शन कर आए, मैं दो साल से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। तो उनकी भावना का मैंने खंडन नहीं किया, मैंने जब ये मिलेंगे महाराज जी से तब मालूम पड़ेगी ये कैसे महात्मा है। मैं हाँ, मैं क्यों कहूँ किसी की महात्मा की निंदा करूँ। बोलो बाबा नीम करोरी की जय। बड़े सौभाग्य के क्षण हैं, मनीष भैया ने मेरे साथ, या मैं कहूँ मेरे साथ मनीष भैया ने एक वायदा किया था दर्शकों से कि विनय चालीसा हम आपको सुनवाएंगे। विनय चालीसा के रचयिता पूज्य श्री प्रभुदयाल शर्मा जी, उनके समक्ष जब गायन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बड़ी लंबी प्रतीक्षा की हम लोगों ने और आज वो छड़ आ गए हैं, तो मेरे माध्यम से आप लोग आशीर्वाद ले लीजिएगा पूरी तरह से। दादा आशीर्वाद दे दो सबको, सबको आशीर्वाद, भक्तजनों को आशीर्वाद। और विनय चालीसा क्या है ये मैं आपको बताऊं? जी जी बताइए बताइए। विनय चालीसा भक्त की श्रद्धा भक्ति रूपी आंसू हैं, जो श्रद्धा के पुष्प रूप में परिणत होकर भक्तों को आपकी अपनी सुगंध से आह्लादित कर रहे हैं। जी जी, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल इस समय बैठा हूं आगरा में, और आगरा में पंडित मनीष शर्मा जी जो महाराज जी की गाथाओं को और बहुत अच्छे सुर में बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं। और मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। मनीष जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जहाँ पर आप होते हैं महाराज जी साथ में रहते हैं, वैसे पल कड़कड़ में पल पल हर जगह महाराज जी हैं, लेकिन आप महाराज जी का चित्र लेकर चलते हैं। तो पिछले समय जब आपने विनय चालीसा गाया, तो विनय चालीसा में ये वायदा किया था कि हम पूज्य शर्मा जी की उपस्थिति में वो गायन करेंगे, तो आज हम पुष्पांजलि और विनय चालीसा इन दोनों का पाठ सुनेंगे। पाठ सुनने से पहले मैं थोड़े समय बात कर लूं, है ना, इजाजत है ना? चलिए, हम मानते हैं कि आपने मुझे इजाजत दे दी है। दादा राम राम। जय जय। खुश रहो, मंगल हो। दादा, पुष्पांजलि और विनय चालीसा आपने रचा है, तो सबसे पहले तो मैं आज ये जानना चाहूंगा कि महाराज जी के संपर्क में कैसे आए? जय हो। ऐसा है, महाराज जी को मैं जानता भी नहीं था। महाराज जी से मिलने से पहले की बातें आपको बता दूं। जी, मैं बचपन से ही मेरी इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि भक्त ध्रुव को जैसे उनके गुरु मिले ऐसे ही गुरु मुझे मिलने चाहिए। ये बचपन से, यानी चौथे पांचवें पढ़ता था जब से, ये मेरी धारणा थी। और छठवें में आते आते मैंने शायद हनुमान जी की थोड़ी सी उपासना शुरू कर दी, थोड़ी सी बहुत सूक्ष्म, हफ्ते में एक दिन। और लिखा है ना, जो सत बार पाठ कर कोई, तो उसको मैं सात बार समझता था, सात बार ही पाठ करता था। और उसका रिजल्ट मुझे फर्स्ट ईयर में आते आते जब मिला, मैं जब फर्स्ट ईयर में आ गया, वो घटना मैंने डॉक्टर चंदनलाल पारा सर जो रतनमुनि में मेरे शिक्षा गुरु थे उनको सुनाई, तो उन्होंने कहा तुम्हें महापुरुष के दर्शन होंगे। महापुरुष मैं समझता नहीं था कि महापुरुष कैसे होते हैं। अच्छा, सुनना, 20 दिसंबर 1962 को ITI बलकेश्वर में मेरी नियुक्ति हो गई ITI मथुरा के लिए, और शायद 63 में मेरा स्थानांतरण हो गया वृंदावन डायरेक्ट, और 64 में मैं कोई कागज़ लेने के लिए यहाँ आया हुआ था ITI बलकेश्वर।
बल्केश्वर आगरा। आगरा जी। और क्योंकि मेरा घर आगरे में है तो मैं घर लौट रहा था, ऑफिस से घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक नादिया वाला तमाशा कर रहा था, लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, मुट्ठी बांध करके लोग पूछ रहे थे कि मेरा प्रश्न, मेरा काम होगा या नहीं होगा। मुझे कोई सवाल तो नहीं करना था लेकिन तमाशा देखने के लिए, मैं भी लड़का ही था उस समय, 24 साल की उम्र थी, अभी भी लग रहा है लड़के ही हो जी। तो तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया, सब लोग सवाल पूछ चुके, तो उसके बाद नादिया वाले ने उससे पूछा कि यहाँ ये बताओ कि भगवान किसके समीप ज़्यादे हैं, सबसे ज़्यादा समीप किसके हैं। तो नादिया मेरे पास आकर के खड़ा हो गया, मुझे स्पर्श किया उसने, मुझे विश्वास तो नहीं हुआ पर मैंने अपने को गर्वित महसूस किया कि इतने समाज में मेरा सम्मान कर रहा है। दूसरा सवाल उसने पूछा कि एक साल में भगवत विशेष कृपा किसके ऊपर होगी। नादिया फिर मेरे पास खड़ा हो गया आकर के, मैं नहीं समझ पाया कि ये मेरे पास क्यों हो रहा है, लेकिन एक साल बाद मुझे महाराज नीम करोड़ी मिल गए। कैसे मिले? हाँ अब वो बात बताता हूँ जी। मैं वृंदावन में, इसी बात सितंबर 65 की है, बाढ़ आई हुई थी आईटीआई में, जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, आईटीआई डूबा हुआ था, आईटीआई उस समय पानी घाट पर रामकृष्ण मिशन की पुरानी बिल्डिंग में चल रहा था। मैं 2-3 दिन ऑफिस गया नहीं था, वर्षा हो रही थी, बाढ़ आई हुई थी और तबीयत भी कुछ थोड़ी ना हल्की थी। वैसे ही घूमने के प्रयोजन से मैं हनुमान जी के जो लुटेरे हनुमान जी जो है वृंदावन में, वहाँ तक जाने का विचार किया और मैं दोपहर को घर से निकला घूमने के लिए, केवल दर्शन करने के लिए नहीं, भक्ति भाव से नहीं, केवल घूमने के लिए कि मैं लुटेरे हनुमान जी तक जाऊँगा। रास्ते में ही ट्रेजरी के हेड क्लर्क जेपी सिंगल जो अलीगढ़ के रहने वाले थे मुझे मिल गए, वो बाबा नीम करौली के दर्शन करके आ रहे थे। रास्ते में मिले तो साइकिल से उतर पड़े और उन्होंने रामकृष्णा की कुशल क्षेम पूछने के बाद वो बोले कि तुमने बाबा नीम करौली के दर्शन किए हैं? मैंने कहा नहीं। फिर बोले कि नाम तो सुना होगा, बहुत बड़े महात्मा हैं। तो मैंने कहा नहीं, नाम भी नहीं सुना मैंने, वास्तविकता है जो मैंने बता दी उनको। तो कहीं अच्छा जाओ गोरे दाऊ जी पे, हाथी वाले बाबा के पास उनका आश्रम बन रहा है, तो उनके दर्शन करो, उनसे मिल करके तुम्हें बहुत लाभ होगा। मैंने सोचा मैं घूमने जा रहा हूँ, इधर न जा करके इधर चलूँ और इधर संत के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा ये भी सोचा कि यहाँ महात्मा लोग वैसे भी रहते हैं ऐसा सुन रखा था, ठगी करने वाले। अच्छा तो पहले अपनी जेब देखी, जेब में तो एक चौरनी नहीं थी, एक इकरनी नहीं थी, पहले चौरनी इकरनी चलती थी। तो मैंने सोचा मुझसे ले क्या लेंगे, जेब खाली है और एक संत हैं तो संत के दर्शन हो, दोनों बातें सोची मैंने। पूछ करके बाबा के आश्रम में पहुंचा, आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था, छोटे हनुमान जी जो बड़े हनुमान जी के बगल में विराजमान है उनको विराजमान कर दिया था महाराज जी ने कि ये आश्रम बनवाएंगे, ये मैंने पीछे लोगों से सुना। तो वहाँ जा करके जो इस स्थान में बाबा की सेवा में थे उन महात्मा से पूछा, प्रेमदास बाबा थे वो, कि बाबा नीम करौली का स्थान यही है कि? हाँ यही है। मैंने कि दर्शन कराओ कि अभी आते हैं। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने से निकल गए, मैं नहीं पहचान पाया कि बाबा नीम करौली है, मैंने कोई सेठ हैं ये बाबा के दर्शन करने आए होंगे, उनको मैंने प्रणाम भी नहीं किया। जब वो कमरे में पहुँच गए तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने उनसे पूछा, अरे बाबा आए नहीं कि अभी तो निकल के गए हैं? मैंने कहा मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाया, मुझे दर्शन कराओ उनके। अच्छा वो अश्रद्धा पहले से भी थी, कहना मालूम कैसे बाबा हैं ये। तो वो फिर कमरे में गए तो अश्रद्धा मेरी और बढ़ गई, मैंने कहा यहाँ बड़े लोगों को, संपन्न लोगों को दर्शन देते होंगे, मुझे काय को दर्शन देंगे। अब आए और फिर नाम पूछा, फिर अंदर गए तो अब वो श्रद्धा और बढ़ी, अश्रद्धा और बढ़ गई कि यहाँ मुझे दर्शन नहीं होंगे। लेकिन आए नाम पूछ करके फिर उन्होंने आज्ञा दी कि चलो आज्ञा हो गई, तो मैंने चलो दर्शन कर लो। दर्शन करने के लिए पहुंच गए कमरे में, कुटिया में, जहाँ अभी महाराज जी का चबूतरा बना हुआ छोटा सा, पहले चबूतरा नहीं था, खटिया पर बैठते थे विराजमान होते, बड़ी खटिया थी, विराजमान थे महाराज जी।
दस पांच लोग और बैठे हुए थे, मैं भी उनको प्रणाम करके वहीं बैठ गया सबसे पीछे। अच्छा, जब मैंने प्रणाम किया तो मेरी खोपड़ी पर उन्होंने हाथ फेरा, और हाथ थोड़ा फेरा तो ऐसा लगा कि मेरी खोपड़ी की हड्डियाँ बज रही हैं। अच्छा। आवाज़ हुई सब, मैं सुन रहा हूँ, वो तकती बदल देते थे। ये महाराज जी भी कहते थे, और ये एक भक्त ने और भी बताया था कि महाराज जी की ये क्या लीला थी कि हड्डियाँ टकरा रही हैं आपस में एक दूसरे। हाँ, हाथ तो फेरा उन्होंने और हड्डियाँ बोल रही हैं, आवाज़ आ रही मैं कान में। मैं नहीं समझ पाया इसको, ये तो दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया था, मैंने ये बात ये है कि वो तकदीर बदल देते थे। उसके बाद मैं पीछे बैठ गया तो उस व्यक्ति को जो मेरी बगल में ही बैठे हुए थे, महाराज जी ने कहा कि अब तुम जाओ। कुछ ही सेकंड हुए थे, एक मिनट मुश्किल से हुआ होगा, तो मैंने सोचा कि ये बहुत देर का बैठा हुआ होगा, ये तो इसलिए इसे आज्ञा हो गई, मैं तो अभी आया हूँ, सांस चल रही है, थका हुआ हूँ तो मुझे बैठने देंगे। कुछ ही सेकंड में मुझे आवाज़ आदेश हुआ कि चल तुम भी जाओ। स्वामी जी से कोई संपर्क हुआ नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ, और मैं केवल सत्संग की भावना से आया था कि सत्संग होगा, तो मैंने आग्रह किया स्वामी जी जरा बैठने दीजिए। नहीं, अब आज्ञा हो गई, जाओ। दोबारा फिर मैंने आग्रह किया तो बोले कि ना फिर आना, अब आज्ञा हो गई, अब जाओ। अब वो इतनी ज़ोर से बोले कि मैंने अब ये लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, मैं रुकूंगा तो मारपीट की नौबत नहीं आ जाए तो मैं आपको बड़ा गुस्से में तमतमाता हुआ कि कैसे महात्मा है, बुरी भावना लेकर के अब मैं तमतमाता हुआ निकल के जा रहा हूँ, ये कैसे महात्मा हैं, वो तो ये कह रहे बहुत बड़े महात्मा हैं, ये निंदा हो रही है मेरी मन में, मानसिक निंदा कर रहा हूँ मैं, स्तुति नहीं। हाँ, और अच्छा, वो व्यक्ति ये कह गए थे कि अपने अफसर को भी दर्शन कराना। जब मैं अपने अफसर के पास गया और मैंने बताया कि वो अमुक व्यक्ति मिले थे मुझे और आपको दर्शन कराने के लिए कह गए हैं और मैं दर्शन करके आ रहा हूँ, तो उछल पड़े कि तुम दर्शन करे आए, मैं दो साल से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। तो उनकी भावना का मैंने खंडन नहीं किया, मैंने जब ये मिलेंगे महाराज जी से तब मालूम पड़ेगी ये कैसे महात्मा है। मैं हाँ, मैं क्यों कहूँ किसी की महात्मा की निंदा करूँ, तब तमाता हुआ चला जा रहा हूँ। घर में जैसे ही प्रवेश किया है मैंने, एक पैर मेरा बाहर है, एक पैर अंदर है, तब मेरे मुँह से जबरन ये निकला है, वो बता रहा हूँ वही शब्द हैं, ये महापुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये वही शब्द हैं जो उस समय निकले थे, मुझे बिल्कुल कंठस्थ हैं, जरा भी नहीं भूला हूँ मुझे तो। और वो कुछ करंट सा लगा मुझे, जैसे विद्युत करंट होता है। अब मैं महापुरुष की तो खोज में था ही, वृंदावन में पहले से ही, और मेरा स्वप्न पूरा हो गया। अब जैसे ही पौरी के दूसरे गेट पर पहुँचा तो जो महाराज जी का स्वरूप देख करके गया था, वो स्वरूप मुझे जैसे आपको देख रहा हूँ, वो हृदय में जैसे हनुमान जी के वो दिखाया जाता है चित्रण से सीताराम को, वो उस तरह से दिखाई दिया। अरे मैंने, ये तो परमात्मा है। हाँ, ये तो परमात्मा मिल गई मुझे।